नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। 18वीं लोकसभा का संसद सत्र बिना किसी डिबेट के ही रोचक बन चुका है। आलम यह है कि अभी तो मुद्दों की शुरुआत भी नहीं हुई थी कि लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस के कई सांसदों ने आज सुबह नीट परीक्षा पर चर्चा कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर ने इस पर चर्चा नहीं होने दी। सदन पहले दोपहर तक स्थगित हुआ। करीब 12 बजे जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्ष ने फिर से नीट पर चर्चा की मांग रखी। इस पर स्पीकर ने सोमवार तक सदन स्थगित कर दिया। यहां तक कि सत्ता पक्ष पर यह आरोप भी लगाया गया कि विपक्ष का माइक बंद किया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर सत्ता पक्ष नीट पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। वही सवाल ये भी है कि क्या इस बार सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी पड़ रहा है। देखिए इस मसले पर यह रिपोर्ट। नीट पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को रोजाना घेर रहा है। वर्तमान में संसद सत्र भी चल रहा है जहां विपक्ष इस पर चर्चा के लिए एनडीए सरकार पर दबाव बना रहा है। आज एक बार फिर से लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए समय देने की मांग की गई। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको चर्चा के लिए आगे वक्त मिलेगा। मगर यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त नीट पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ था, उस वक्त एक बहुत बड़ा आरोप भी लग गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने कहा कि माइक बंद किया गया है। उनके इस आरोप पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यहां पर कोई बटन नहीं होता जिससे माइक को बंद किया जाए। कांग्रेस ने भी माइक बंद करने के मुद्दे पर हमला बोला। दरअसल विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि नीट पेपर लीक पर चर्चा की जाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप सभी लोगों को पहले ही अवगत कराया गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब के लिए आपको समय दिया जाएगा। मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि वह आपके जरिए उठाए गए सभी मुद्दों पर जवाब देगी। आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आप डिटेल में चर्चा कीजिए। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार नीट को लेकर हंगामा करते रहे। देखिए, माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं, सर, कोई हम रिकॉर्ड सर, में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेज हैं, एक है। तरफ नहीं माने, प्लीज ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। इस पूरे प्रकरण के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। फिलहाल ये प्रकरण बता रहा है कि इस बार सत्र काफी रोचक होने वाला है। जिस तरह के तेवर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने दिखाए उससे यह आशंका मजबूत हो गई है कि 18वीं लोकसभा में सहयोग और संवाद नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ज्यादा रहने वाली है। देखा जाए तो संसद सत्र से साफ हो गया कि विपक्ष ने यह संदेश सरकार और देश को दिया है कि 10 साल तक जो मनमानी सत्ता पक्ष ने की है वह अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब विपक्ष भी मजबूत है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भले ही सदन में संख्या बल सरकार के पास ज्यादा है लेकिन मनोबल उसके पास ज्यादा है, क्योंकि सत्ता पक्ष की सीटें कम हुई हैं और विपक्ष के सांसदों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। एक दूसरे को कमजोर साबित करने और खुद को दूसरे से ज्यादा मजबूत दिखाने की ये होड़ आने वाले दिनों में और तेज होगी और संसद में सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष का टकराव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।